हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आखिरकार जिस मैच का पूरे वर्ल्ड को बेसब्री से इंतजार था वो आ ही गया। पहली बार अमेरिकी धरती पर वर्ल्ड क्रिकेट का महा मुकाबला यानी भारत वर्सेज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है। इस मैच में दुनिया भर के करोड़ों फैंस की निगाहें होंगी। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के महा मुकाबले की, जो कि 9 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 38% रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं पिच एनालिसिस करते हैं, जहां पे न्यूयॉर्क की पिच T20 बैटर्स के लिए चुनौती पेश करती है। ये दो पत्ते वाली विकेट T20 में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तेज और सपाट पिच से अलग होती है। न्यूयॉर्क की पिच अपनी स्लो सतह और स्लो आउटफील्ड के लिए जानी जाती है। यह कंडीशन उन गेंदबाजों को फायदा पहुंचाता है जिसके पास बहुत सारी वेरिएशन है, जैसे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा शुरुआती सीम मूवमेंट स्विंग बॉलर की मदद करेगी, जैसा कि हमने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच पिछले गेम में देखा था। इससे ओपनिंग बैटर्स के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हिट रेट देखते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहां पे पाकिस्तान 3 मैच जीत के आ रही है तो इंडिया 7 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंटेज, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 50% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहां पे 50% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 86 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 88 है। दोस्तों इससे के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। भारतीय टीम ने आयरलैंड पर जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था। भारतीय टीम मात्र 2 विकेट खोकर टारगेट चेस कर लिया। वहीं पहली बार रोहित शर्मा विराट के साथ गेम में ओपनिंग की। विराट जल्दी आउट हो गए थे लेकिन रोहित ने 50 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जो कि पंत को मौका मिला था, उन्होंने भी 36 रन बनाए थे। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहां पर शिवकुमार यादव और शुभम दुबे टीम को स्टेबल करेंगे। भारतीय बैटिंग में इस समय एक भरोसेमंद फिनिशर की कमी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा का हालिया परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। वहीं बॉलिंग में सभी बॉलर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो कि हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे। वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने 6 रन देकर 2 विकेट लिया था और मैन ऑफ द मैच भी थे। वहीं मोहम्मद सिराज, अजदीप ने न्यू बॉल से विकेट लिया। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा स्पिन जोड़ी इस पिच पर तहलका मचा सकती है। वहीं शिवम दुबे के छठे गेंदबाजी विकल्प के रूप में ट्रैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं आगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिवकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और हरदीप सिंह। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पाकिस्तान का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान टीम इस वक्त खराब परफॉर्मेंस से गुजर रही। टीम अपने पहले मैच में अमेरिका से हार गई, इसके बाद हर तरफ टीम की आलोचना हो रही है। ऐसे में जब भारत के खिलाफ टीम को हार मिलती है तो सुपर 8 में जाना मुश्किल होगा। लास्ट गेम में टीम की शुरुआत खराब थी। ओपनिंग में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम खेल रहे थे। बाबर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए थे। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान और फकर जवान दोनों फ्लॉप हो गए थे। विकेट कीपर जो कि आजम खान फ्लॉप थे। अगर फिनिशिंग में बात किया जाए, जो कि सदाब खान, इफ्तिकार अहमद जो कि ऑलराउंडर की जोड़ी है, इमाद वसीम को चांस मिल सकता है। बॉलिंग यूनिट में 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है। लास्ट गेम टीम ने टारगेट सेव नहीं कर पाई थी, सभी बॉलर मिलकर बस 3 ही विकेट ले पाए। यहाँ पर शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अमी और नसीम शाह की पेश थी टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकती है। वहीं पर हरीश रॉक को प्लेइंग 11 में जगह मिला था। स्पिन बॉलिंग में सदाब खान और इफ्तिकार अहमद भी विकेट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, उस्मान खान है, फकर जवान है, आजम खान है, सदाब खान है, इफ्तिकार अहमद, शहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, हरीश रॉफ है, मोहम्मद आमिर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि बाबर आजम है, शहीन अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है। तो दोस्तों फाइनली हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है, उसने पिछले 10 में से 7 T20 मैच जीते हैं। यह दबदबा उन्हें फेवरेट बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को कमजोर समझना भूल होगी। दोनों टीम के स्क्वाड स्टैंड को देखते हुए भारत बहुत आगे चल रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर इंडिया होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बनाओ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।